वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे. हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रॉन विच हैज गॉट चार्ज माइनस सी एंड दिस एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट डेवलप्स ए स्पीड एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वट विल बी द स्पीड. द इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? आंसर U1. U, what is that U? Very good. उसमें हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ. ओके, फर्स्ट वी विल राइट वेलोसिटी में हम क्या निकालेंगे. वी शुड बी वेरी क्लियर. इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज ड्रिफ्टिंग. एवरेज हो सकता है कोई फास्ट जाएगा और कोई स्लो जाएगा. हम एवरेज निकाल सकते हैं. ओके, एवरेज निकालने के दो तरीके हैं. या तो हम थोड़ा सा लंबे मेथड से चले विच मेक्स अस वेरी क्लियर विदाउट एनी डाउट. अदर वी कैन गो बाय ए शॉर्टकट बिकॉज वी नो वेलोसिटी अंडर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अंडर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेरी सिंपल. वट इज टी? टी इज द टाइम फॉर विच फोर्स इज बींग अप्लाइड. क्योंकि उतनी देर तक उसको एक्सेलरेट करता रहेगा. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वी किसके बराबर हो जाएगा? ए टी. वट इज ए? एक्सेलरेशन. वट इज टी? टाइम फॉर विच दिस एक्सेलरेशन इज अप्लाइड. तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं उनको कितना टाइम तक एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है, कितनी देर तक उस पर फोर्स लगता है, जस्ट थिंक, क्योंकि हमको टी चाहिए. सो आई टेल यू कितनी देर तक उस पर फोर्स लगेगा. आंसर इज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद थर्मल वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स एन एटम ऑन द वे. वहां पर वो गया तो उसने जो भी उसके पास वेलोसिटी थी यहां जाके जीरो हो गई. यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, या हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ. आइदर वे ये जब यहां जाके वेलोसिटी जीरो करता है फिर ये स्टार्ट होता है. जब ये स्टार्ट हुआ ऐसे थर्मल वेलोसिटी से, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसने ड्रिफ्ट होना शुरू किया. टाइम बीतते जा रहा है, 1 माइक्रोसेकेंड, 2 माइक्रोसेकेंड, 3 माइक्रोसेकेंड. कब तक गिनेंगे? जब तक वो दूसरे को हिट नहीं करेगा, दैट इज कोलिजन. तो कितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई हुआ फ्रॉम वन कोलिजन टू द अदर कोलिजन? फॉर दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट एंड दैट इज द टाइम वी हैव टू टेक देयर एज टी. समझ आया? तो उस टाइम का ना हमने एक नाम रख दिया. उसका नाम हमने रखा कि उतनी देर तक वो कोलिजन किसी के साथ नहीं किया, इट वॉज फ्री टू मूव. तो उसका हमने नाम रख दिया रिलैक्सेशन टाइम. इट वॉज रिलैक्स्ड. क्यों? वो किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, किसी से कोलाइड नहीं कर रहा था. तो दैट पीरियड इज नोन एज रिलैक्सेशन पीरियड. डोंट टेक दैट रिलैक्सेशन पीरियड मीन्स रेस्ट पीरियड. रेस्ट पीरियड नहीं, ठीक है. सो इट हैज वन कोलिजन, देन इट हैज अनदर कोलिजन. सो रिलैक्सेशन पीरियड इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन. इसको एक छोटा सा पहले नोट कर लेते. रिलैक्सेशन पीरियड और रिलैक्सेशन टाइम, इसका ना हमने एक सिंबल बना दिया टाउ. इज द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन टेकन और टाइम पीरियड इलेप्स्ड बिटवीन
टू कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद दूसरा, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अब ये हो सकता है फॉर वन इलेक्ट्रॉन इट इज मोर, अदर इलेक्ट्रॉन इट इज लेस। कभी हो सकता है सामने वाला इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आ गया तो थोड़े से टाइम में टकराएगा, और बाद वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लंबा टाइम मिला। तो हम क्या करते हैं, हम सब टाइम का इमेजिन करके हम सबका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे एक कोलिजन के लिए टाइम लगा T1, दूसरे के लिए लगा T2, तीसरे के लिए लगा T3 और nth के लिए लगा Tn। सबको ऐड किया, n से डिवाइड कर दिया। ये व्हाट आर दीज टी, टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। इन सबको एडिशन करके एवरेज निकाला और इसको हमने टाउ लिख दिया। दिस इज एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। समझ आया? ओके, तो हम क्या देखते हैं, जिसके एटम ज्यादा खुले खुले होते, दूर दूर होते हैं, सबका हमने एवरेज निकाला 5 माइक्रोसेकंड। जिसके सब एटम नजदीक नजदीक होंगे तो हर एक स्ट्राइक थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, तो हमने देखा एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड 3। तो हमको पता लग जाएगा कि या तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, या उनका डिस्टेंस कम है, देयर मे बी एनी रीजन। तो रिलैक्सेशन पीरियड पर हम लोग फिर एक बार कोलिजन को देखेंगे, इट मे बी पॉसिबल कि एटम बड़े बड़े ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाता, जल्दी टकरा जाता है, देयर मे बी मेनी रीजन, वी विल कम टू दैट टॉपिक वंस अगेन। अच्छा, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस पीरियड को हम बोलेंगे क्या रिलैक्सेशन टाइम, क्यों, क्योंकि उतनी देर तक वो कोलाइड नहीं कर रहा है। इस पीरियड का हमारा क्या यूज है, वी नो दैट फॉर दैट मच टाइम पीरियड द एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन इट, और उतनी देर तक वो वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको ड्रिफ्ट करता रहेगा, ये हमारा इंटरेस्ट है। सो द ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस फॉर हाउ मच पीरियड, फॉर रिलैक्सेशन पीरियड द ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस। ओके, कितनी ड्रिफ्ट हो जाएगी, 80। अब टी की जगह हम क्या ले सकते हैं, टाउ। ओके, सो ए इज एक्सेलरेशन, टी तो ये हमको समझ में आ गया, टाउ। एक छोटी सी चीज सिर्फ और है, अभी रेफरेंस आया तो उसको नोट कर लेते। रिलैक्सेशन पीरियड एक मटेरियल का किससे अफेक्टेड होता है कम या ज्यादा, आंसर है टेम्परेचर से। किससे अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर। ये अभी अगले टॉपिक में काम आएगा, बट आई जस्ट टेल यू क्यों। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसकी थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जल्दी टकरा जाएगा जाके। अब आप मुझे बताइए, रिलैक्सेशन पीरियड टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा कि कम होगा, सोचो सोचो। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ा, वेलोसिटी, और जल्दी वेलोसिटी होगी तो टाइम पीरियड, यस, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टाउ डिक्रीज। ओके, तो रिलैक्सेशन पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ विच क्वांटिटी, व्हाट इज आंसर, टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये बड़े अजीब अजीब आंसर आएंगे इसमें। ओके, सो रिलैक्सेशन पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनीवे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वी नो इट इज फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स ए पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, यस। अभी हमने लगाया कितना चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इट्स चार्ज, माइनस ई। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मेक्स एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी कितनी आ गई, दिस वेलोसिटी फॉर एनी वन पार्टिकल इज हाउ मच, ई
E, M, and T. What is this T? Relaxation period. अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेता हूं तो मुझे इसे लिखना चाहिए 1, 1. अगर मैं इसको एवरेज लेता हूं, एवरेज ऑफ ऑल दी एन इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज, तो ई सब इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब के लिए एक ही वैल्यू रखता है, एम सब के लिए एक ही वैल्यू रखता है, तो मुझे एवरेज किसका निकालना पड़ेगा? टाइम पीरियड का, और वो हम पहले निकाल चुके. टाइम पीरियड का एवरेज कितना होता है? टाउ. सो अगर मैं इसे एवरेज लिखूंगा तो इसे क्या लिख दूंगा? टाउ. आ गया. और ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस वेलोसिटी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम पहले क्या डिक्लेयर कर चुके हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अंडरस्टैंड? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ए की वैल्यू हमने निकाली ई अपॉन एम, और एवरेज टी कितना निकाला? टॉप. ओके, सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस एवरेज वेलोसिटी इज This is drift velocity. ये drift velocity आ गई और ये हमारा formula आ गया. V drift velocity is equal to minus EE upon m into tau. अब जैसा कि हर formula के साथ होता है, हम देख सकते हैं कि इसकी dependence किस किस पर है. E is a constant. M is a constant, E upon M. तो drift velocity, electric field increase होने से increase हो जाएगी. It depends upon electric field. यानी ज्यादा voltage लगाएंगे तो ज्यादा drift velocity होगी. ठीक है? अच्छा, tau. Tau decrease होगा तो drift velocity क्या हो जाएगी? Decrease. Tau कब decrease होगा? So my question is, if the temperature increase, what happens to drift velocity? Yes. Samajh aaya? And this is a very, very common question. Note kar lijiye. Kya? V drift depends on E and tau. Of course, E upon M तो है ही, पर वो इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट है. दिस सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ई एंड टाउ. इफ टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज, देयरफॉर वीडी डिक्रीज. All these small questions are asked as one mark questions. And you must remember this. उस समय आपको इसकी dependence याद आनी चाहिए. So this is our formula for drift velocity. Now for the students, I would like to say one thing more. In certain reference books, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ books ने एक लंबा derivation बनाया हुआ है जिसमें U1, U2, U3 को use किया है, हर एक के साथ 80 को जोड़ा है, फिर उनका एवरेज निकाला है. बट फाइनली इट कम्स टू दिस. यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट लॉन्गर फार्मूला, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट सम ऑफ ऑल यू इज जीरो. वी आर नॉट टेकिंग इट इनटू अकाउंट. इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दिस फार्मूला इज गुड इनफ. एनसीईआरटी ने भी यही फार्मूला यूज किया है, आप भी यही डेरिवेशन यूज करेंगे एंड लंबे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं. इवन इफ यू डिराइव विद दिस,
That's fine. That's good. ठीक है. Okay. So ये drift velocity सिर्फ बनी, electric current नहीं बनी. अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है? अभी तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनी. अभी तक क्या हुआ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल मेक ए कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिक करंट. जस्ट 5 मिनट्स. इलेक्ट्रिक करंट एंड drift velocity. Here is a conductor. This has got length L. इसके अंदर electrons, free electrons भरे हुए हैं. A conductor has length L, area of cross section A. ये वाला area इसका A है. Okay, एक चीज बताइए, अगर area A है, length L है, तो इसका volume कितना? Yes, A multiplied by L. Okay, वो volume होगा, हमको जरूरत पड़ेगी. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न बताकर एक दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करेंगे, विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे डेंसिटी होती है, वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे एन. ये जो स्मॉल एन है, दिस बिकम स्टैंडर्ड. ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही चलेगा. स्मॉल एन मीन्स वॉट? Number of electrons per unit volume. N is electron density per unit volume. Therefore, total electrons कितने हुए बताइए? Volume कितना? A into L volume. और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? एन. तो पूरे वॉल्यूम में कितना? एन ए एल. ये क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रॉन्स. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास ये चार्ज हो गया टोटल. लेट अस से टोटल चार्ज क्यू, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? दिस मच. ठीक है. सो टोटल चार्ज Q इनसाइड दिस कंडक्टर इज दिस मच. राइट. अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू हो गए. Due to electric field, क्या करता है? एक drift velocity setup कर देता है. A drift velocity VD is set up. And all electrons keep drifting. Now, time period for all electrons to drift complete length. अब छोटी सी चीज है, सब ध्यान दे के समझिए. टाइम पीरियड फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ऑल. कितना उनको ड्रिफ्ट करना है? कंप्लीट लेंथ.
ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है ये सब इधर जा रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं। जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इसका मतलब कि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, इस कंडक्टर में से। इस क्रॉस सेक्शन को इतने इलेक्ट्रॉन ऐसे पार कर लेते हैं। कब करेंगे? जब आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। समझ आया? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इसको पार कर लिए एल लेंथ को, इसका इंडिकेटर कौन? हु इज द इंडिकेटर? लास्ट इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट विल क्रॉस द सेक्शन देन वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आउट। हाउ मच टाइम दैट विल टेक? हियर इज द डिस्टेंस एल, हियर इज द वेलोसिटी। Then how much time it takes? Distance upon velocity. बोलिए कितना? Very good. ये आ गया time. इस time में क्या होगा? All electrons will drift out. उसके पीछे क्या हो रहा है? We are not concerned. हमने जितने electrons गिन के रखे हैं वो सारे electron निकल जाएंगे इतने time में। This is the time. Now, करेंट। करेंट की डेफिनेशन क्या है? बेसिक फॉर्मूला। इफ द चार्ज q पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, देन q अपॉन t इज करेंट। और I इज इक्वल टू हाउ मच इज द चार्ज इन द कंडक्टर? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, यस, माइनस e n A L. How much is the time it has taken? L upon V D. So I is equal to minus N E A V D, where minus stands for negative charge of the electron. If we convert this formula for positive charge, okay, what is the indication of negative? Answer is, here, I minus Vd. This says that if the drift velocity is in this direction, the current will be assumed to be flowing in this direction. The direction of electric current will always be taken as negative of the drift velocity. अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर मानी जाएगी। क्यों? पॉजिटिव इधर जाएगा अगर निगेटिव इधर जाता है तो वो जाता है या नहीं जाता है? पर हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर निगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव की ये डायरेक्शन है। ये मैथमेटिक्स क्या कहता है? आई is equal to minus Vd, that means the direction of I is always opposite to direction of Vd. This is very important. Okay. Negative sign shows that direction of electric current is taken as direction of drift velocity of electrons. हमने किसको लेकर कैलकुलेशन की? इलेक्ट्रॉन्स को। माइनस किसके कारण आया? क्योंकि हमने चार्ज को माइनस ही रखा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी उल्टी डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट की, वीडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज क्या बना? मैग्नीट्यूड फॉर पॉजिटिव चार्जेस आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, दिस इज ड्रिफ्ट। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं।
प्लस किसके लिए? पॉजिटिव चार्जेस के लिए, माइनस नेगेटिव चार्जेस के लिए. सो दिस इज अवर फॉर्मूला. आई इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक अपने लिखने की आदत ठीक करिएगा. वी और डी इसको कभी भी इक्वल साइज मत रखिए. वी डी इज नॉट टू क्वांटिटीज, इट इज वन क्वांटिटी. वी डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट. बट दिस इज वन. धीरे 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 अगली लाइन में आते आते बाद में ये ऐसे हो जाता है. और बाद में हम सोचते हैं डी की वैल्यू क्या रखूं, वी मल्टीप्लाइड बाई डी बन जाता है. ठीक है, सो अवॉइड दैट. प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली वन वी, एन ई ए वी, राइट. सो द करेंट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी थिंग्स, द नंबर डेंसिटी एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज ए कॉन्स्टेंट, एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इसी पर ही डिपेंडेंस है, एरिया बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, अदर थिंग्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो इससे आप कभी भी जब आप डिपेंडेंस निकालने जाएंगे, ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे क्लास 12 में, वेरी कंफ्यूजिंग. आपके 11th के भी बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं डिपेंडेंस के. कल रात को 11 बजे एक बच्चे का फोन आया मेरे को, क्लास 11th के, सर मैं पागल हो रहा हूँ. मैंने कहा क्यों पागल हो रहे हो? बोले सर मेरे को समझ में नहीं आता, वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर कम होता है कि ज्यादा होता है. आपने एक बार बोल दिया कम होता है और एक बार बोल दिया ज्यादा होता है, तो ये कैसे होता है? थर्मोडायनेमिक्स में आप ये कहते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, याद रखना. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? पी वी इज इक्वल टू आर टी, पढ़ा है? पी कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट कर दो तो वी और टी कैसे हैं? हाँ, वी बढ़ता है तो टेम्परेचर. और थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वी बढ़ता है तो टेम्परेचर. सच क्या है? मैंने कहा तुम ठीक पागल हो रहे हो, दोनों चीजें हमने पढ़ाई हैं. वी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और वी बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, आंसर सोचिए. आप लोग सब क्लास 11 पास करके आए हैं, मैंने तो उसको दिया आंसर, वट एवर इज द करेक्ट वर्जन. पर ये सब इस पर डिपेंड करता है, आई टेल यू ये चीजें. हाँ, कि हम कॉन्स्टेंट किसको करते, तो रेस्ट ऑल अदर थिंग्स शुड बी कॉन्स्टेंट, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द टू रिलेशंस. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसमें आप आई का डिपेंडेंस ए के साथ देखेंगे तो सब किसको किसको कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, एन ई वी डी. और VD के साथ करेंगे तो किसको कांस्टेंट करना है? यस, राइट. ये तो एक, दिस ए वेरी स्मॉल एग्जांपल. PV और T, V और T का एग्जांपल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे जाके हमारे भी आएंगे. ओम्स लॉ, दिस दैट, सब में इस तरह के एग्जांपल ढेर भरे हुए. व्हेन देयर इज ऑलवेज ए कंट्रोवर्सी व्हेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और अपोजिट, वी हैव टू सी व्हाट आर द कांस्टेंट्स. ओके, सो वी क्लोज इट टुडे.